नमस्कार दोस्तों, गर्मियों के सीजन में ठंडी चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। आइए जल्दी से बनाते हैं मैंगो रस मलाई। इसके लिए हमें चाहिए 500 मिलीलीटर दूध। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बार बार इसे हिलाते रहेंगे ताकि तलवे में चिपके ना। आधा होने तक हम गाढ़ा करेंगे। लगातार दूध इसी तरह हिलाते रहेंगे। 5-6 ब्रेड, आधा कटोरी आम का पल्प, 1 कटोरी छोटे टुकड़ों में कटे हुए आम, दूध में भिगी हुई केसर, वनीला एसेंस, पिस्ता, बादाम। ब्रेड के साइड वाला पार्ट हटाएंगे। साइड वाले पार्ट से हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसी तरह सारी ब्रेड के साइड वाला पार्ट को हटा देंगे। ऐसी ब्रेड तैयार करेंगे। दूध आधा गाढ़ा हो चुका है। स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे। 5 मिनट तक हम इसे चीनी घुलने तक पकाएंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ब्रेड लेंगे और पानी के अंदर डिप करेंगे। ब्रेड का पानी निकाल देंगे। हाथ से दबाते हुए पानी निकालेंगे। इसके बीच में आम रखेंगे और चारों तरफ से पैक करते हुए राउंड शेप देंगे। टाइट टाइट हाथ से पैक करेंगे। एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे। इसी तरह सारी ब्रेड को राउंड शेप देंगे। ये देखिए मैंने सारी बना के रख दी हैं। 2-3 चम्मच आम का पल्प प्लेट में रखेंगे और फैलाएंगे। आम के पल्प के ऊपर रबड़ी डालेंगे, बीच में रखेंगे। चम्मच से हल्का हल्का फैला देंगे, चारों तरफ फैलाएंगे। ब्रेड मैंगो बॉल्स को इसके ऊपर रखेंगे। अब इसके ऊपर रबड़ी को फैलाएंगे। रबड़ी लगाने के बाद फिर आम का पल्प थोड़ा सा लगाएंगे। वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस की जगह गुलाब जल भी ले सकते हैं। 1-1 बूंद वनीला एसेंस डालेंगे। बादाम लगाएंगे। बादाम के बाद पिस्ता। अब हम इसमें केसर की पंखुड़ियां लगाएंगे। अब 1-1 आम का टुकड़ा लगाएंगे। अब इसे फ्रिज में 2-3 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंगो रसमलाई बनके तैयार है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें।